हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मैग्नेट ब्रेन्स। आपको हम इससे पहले कबीर दास की साखियों की व्याख्या और प्रश्न अभ्यास पूर्ण करा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मीरा के पद, हमारा पार्ट दो है, मीरा के जो पद हैं उनकी व्याख्या करनी है। मीरा जो हैं वो एक राज दरबार में ब्याही, और क्या कहते हैं, उन्होंने शादी करने के बाद भी राज दरबार में रहकर नहीं, जबकि मंदिर में रहकर श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया। वो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते थे, उन्हीं को अपना पति मानती थी, तो उनके ही प्रेम में वो हमेशा रहती थी। तो उन्हीं के उसमें बहुत सारे उन्होंने पद लिखे। अब हम जानते हैं उनके पद, दो पदों की यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला पद हमको क्या कहता है, हरि आप हरो जन री भीड़। यहाँ पर क्या दिया है, प्रभु यानी श्री कृष्ण आप यहाँ पर जो है लोग सबकी पीर हरते आए। पीर मतलब पीड़ा को, पीड़ा जो तकलीफ होती है आप उसको हरते आए, मतलब सबकी पीड़ा को आपने दूर किया है। द्रौपदी ली राज राखी आप बाढ़ो चीर। जिस प्रकार द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो आपने उसकी लाज बचाने के लिए उसके चीर यानी वस्त्र को इतना लंबा कर दिया कि उसका अपमान भरी राजसभा में नहीं होने पाए। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या देती है, भगत कारण रूप न रहे धरयो आप शरीर। और भरत आप प्रहलाद, यहाँ पर प्रहलाद की जो है ना जान को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया था, हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया था और आपने प्रहलाद को बचाया था। जिस प्रकार सभी की, जैसे द्रौपदी की तकलीफ हरी और फिर प्रहलाद की तकलीफ हरी, उसके परे बूढ़ो गजराज राख्यो काठी कुंजर पीर, और आपने किस प्रकार डूब रहे हाथी को बचाने के लिए, डूब रहे हाथी को बचाने के लिए आपने क्या जो है मगरमच्छ की भी को भी मृत्यु प्राप्त करा दी थी। एक बूढ़ा जो है हाथी था वो पानी में डूब रहा था और उसको खाने के लिए मगरमच्छ आ रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उन मगरमच्छों को भी मृत्यु प्रदान कर दी थी। यानी जब उनको मृत्यु प्रदान करी तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने बताया कि आपने किस जिस प्रकार जो है गणराज बूढ़े डूबते हुए हाथी को बचाने के लिए मगरमच्छ को भी मृत्यु प्रदान कर दी थी। दासी मीरा लाल की हरो मारी बीर। और मैं भी आपकी ही दासी हूं। मैं कौन हूं, मैं आपकी दासी हूं, हमेशा आपके चरणों में पड़ी रहती हूं। जिस प्रकार आपने सभी की पीड़ा को हरा है आप मेरी भी पीड़ा हर लो, अर्थात आप भी मुझे अपने साथ कर लो और मुझे इस दुखियारे संसार से अपने पास बुला लो। अब इस जो हमने पद पढ़ा इसका भाव पक्ष समझते हैं। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की भावना प्रकट हो रही है। ईश्वर की भक्तों पर दया करने की आदत पर प्रकाश डाला गया। किस प्रकार मनुष्य जब तकलीफ में होता है और ईश्वर उनके दुखों को हर लेता है, इस बात पर उन्होंने प्रकाश डाला है। अब कला पक्ष यानी कि उनकी भाषा में क्या क्या अच्छी बातें हैं। भाषा सरल एवं सहज है। भाषा प्रभावोत्पादक है, मतलब प्रभाव उत्पन्न कर रही है। जब उसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी कहानियाँ याद आती हैं और उन कहानियों से हमारे अंदर प्रभाव पड़ता है। फिर ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया। देखो श्री कृष्ण ब्रज के थे इसलिए ब्रज भाषा का भी समावेश रहेगा मीरा के पदों में, और मीरा खुद राजस्थान में ब्याही थी और राजस्थान की राजकुमारी थी, इसलिए उनकी भाषा में राजस्थानी भाषा का भी आपको पूरी तरीके से समायोग मिलेगा। फिर काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है। पूरे पद में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया। दृष्टांत यानी आपको डिफरेंट डिफरेंट दृश्यों को बताया गया है, किसी एक दृश्य को नहीं। अगर एक दृश्य होता तो वो दृष्टांत अलंकार नहीं होता। जब किसी चीज़ में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लाके एक कर देते हैं तब वहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाता है। फिर प्रत्येक पंक्ति के अंतिम पद शब्द में तुकांत है। हमने बताया ना तुकांत मतलब जो राइमिंग वर्ड्स रहते हैं, तुकांत मिले हैं। और गायात्मक शैली है, मतलब वो गा कर इन सारी पदों को बोल रही हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर अभाना दूसरा पद शुरू होता है, क्या है, श्याम मारे चाकरो राखो जी, गिरधर लाल मारे चाके और राखो जी। अब यहाँ पर क्या मीरा जी कहती हैं कि श्याम, क्या बोलती हैं, श्याम जी
मुझे अपना नौकर रख लीजिए। फिर दूसरी लाइन में बोलती हैं, गिरधर मुझे अपना नौकर रख लीजिए। चाकर रहस्यूं बाग लगायूं, नित उठ दर्शन पाऊं। वो क्या बोलते हैं, जब मैं आपकी नौकर बन जाऊंगी तो मैं एक सुंदर सा बाग लगाऊंगी, मैं एक सुंदर सा बाग लगाऊंगी और रोज नित यानी रोज सुबह उठकर आपके दर्शन को प्राप्त करूंगी, यानी आपके दर्शनों को पाऊंगी। विंध्य रावण सी पुंज गली में गोविंद लीला गाऊंगी। और बोलते हैं क्या, वृंदावन की गलियों में, जो कुंज गलियां मतलब पतली पतली जो गलियां हैं वृंदावन की, उसमें मैं गोविंद की लीला गाऊंगी, मतलब श्री कृष्ण मैं आपकी लीला को गाते हुए फिरूंगी। चाकरी में दर्शन पाऊं सुमरण पाऊं खारची, मतलब क्या है, जब मैं आपकी नौकर रहूंगी, जब मैं आपकी नौकर रहूंगी तो मैं आपके दर्शन हमेशा पाती रहूंगी, सुमरण पाऊं खारची और हमेशा आपका ही स्मरण करती रहूंगी। भाव भगीती जागरी पाहूं तीनों बासे तीनों बाता बाता सरसी। यहाँ पर तिया क्या है, हमेशा हमेशा भाव भागती जागरी पाऊं, यानी मैं हमेशा हर वक्त जागती रहूंगी, हर वक्त जाग के आपके तीनों पहर गीत गाती रहूंगी, आपके भावों को अपने अंदर हमेशा स्थापित रखूंगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ तक तो इनकी भक्ति बताई उनके बने कि आप नौकर रख लेंगे तो मैं ये करूँगी। अब उसके बाद क्या, अब श्री कृष्ण के रूप का वर्णन शुरू करती हैं। यहाँ पर क्या बोलती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, क्या बोलते हैं, मोर का मुकुट जिसने धारण किया हुआ है और शरीर पर पीले वस्त्र पहन रखे हैं, गल वैजंती माला और गले में वैजंती फूलों की माला को धारण कर रखा है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और वृंदावन में गाय चराते फिरता है मुरली धारण करने वाला। ठीक है, मुरली धारण करने वाला कौन है, अर्थात श्री कृष्ण। पूरे वृंदावन में गाय को चराता रहता है और मुरली को धारण कर रखा है। उफचा उफचा महल बावड़ा विच विच राखूं बारी, ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं और बाग हूं उसमें छोटे छोटे से। मैं मतलब आपने ऊंचे ऊंचे महलों को बना रखा है और मैं उसमें छोटे छोटे बागों को बनाऊंगी, उनके बीच में छोटे छोटे बागों को लगाऊंगी। सांवरियारा दर्शन पाहूं पहर कुसुम्बी साड़ी, और कहते हैं मीरा जी मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शनों को प्राप्त करना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जन्मा जीते तीरे, यानी कि आधी रात में आकर आप मुझे दर्शन दीजिए। कहाँ पर, यमुना नदी के किनारे। कहाँ प्राप्त करना चाहती हैं, कहती हैं कि आप मुझे आधी रात में आकर यमुना जी के किनारे दर्शन को दीजिए। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हीवड़ो घाड़ो अधीरा, और यहाँ पर क्या बोलती हैं कि मीरा के तो प्रभु सिर्फ गिरधर नागर हैं, मीरा जी के प्रभु क्या हैं, सिर्फ गिरधर नागर हैं और उनके हीवड़े मतलब उनके हृदय में सिर्फ उन्हीं का वास है, किनका, श्री कृष्ण का ही वास है। अब इनका कला पक्ष इनको क्या बोलता है, काव्य सौंदर्य। भाव पक्ष में यहाँ मीरा बाई के दास से भक्ति परिलक्षित होती है, मतलब वो यहाँ पर दासता प्राप्त करना चाहती है, दासता प्राप्त करने के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं वो उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किए हैं। मीरा कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हो रही है, यानी कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है, और उस व्याकुलता में वो क्या बोल रही है कि या तो आप मुझे नौकर बना लो, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोलती है, कुसुम्बी साड़ी पहन के मैं आप मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का सजीव वर्णन है, और यहाँ पर इन्होंने श्री कृष्ण के रूप का भी वर्णन किया हुआ है। आगे कला पक्ष राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, जो भावाव्यक्ति से सक्षम है, मतलब हर जगह आपको राजस्थानी भाषा मिलेगी।
भाव भक्ति मोर मुकुट मोहन मुरली में अनुप्रास अलंकार है, ऊंचा ऊंचा विच विच में आपका पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार वहां पे होते हैं जहां सेम शब्द होते हैं और सेम अर्थ होता है, वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है, वो दोनों शब्द एक साथ ही इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी पुनर् मतलब बार बार, पुनर् मतलब दोबारा इस्तेमाल, तो वहां पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। फिर संपूर्ण पद में माधुर्य गुण विद्यमान है और गेयात्मक शैली का प्रयोग है। मतलब जब हम पूरा पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में बड़ा मजा आता है। आप एक बार को उसके अर्थ में नहीं जाओ, अगर सिर्फ उसको पढ़ते रहोगे तो वो अपने आप में ही आपको बहुत मजा देगा। और गेयात्मक शैली मतलब ये पदों को गाकर बोला गया है। तो इस तरीके से हमने मीरा जी के पदों की व्याख्या को पूर्ण किया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मीरा जी ने जितने भी पद लिखे हैं वो सब श्री कृष्ण से रिलेटेड है, तो इनकी जो भाषा रहेगी वो हमेशा एक चीज में कॉमन रहती है, ब्रज भाषा मिली होगी और फिर उनकी स्थानीय भाषा यानी राजस्थानी भाषा मिली रहेगी। अलंकारों को आप बहुत ध्यान से फाइंड कर सकते हैं, बहुत जगह अलंकार दिए रहते हैं, तो इन सब चीजों में आप काव्य सौंदर्य बहुत अच्छे से देख लेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम उसी में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।